Hey everyone, welcome back to my channel. So guys, today again is a recruitment from a government PSU, and you can see that that is from THDC India Limited, okay? And आप देख सकते हो that is a मेरी रत्न government PSU. You can see and इनका advertisement number, okay? So ये आज की date में notice आई हुई है, that is 1st of July, okay? So let me tell you one thing, that is it is a recruitment for engineer trainee, you can see, and it will for the branches of civil, electrical, mechanical, जो कि आपका होने वाला है गेट स्कोर के बेसिस पे, ओके. सो आपके पास 22 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, ओके. उसके पहले का वैलिड नहीं होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पहले बता दे रही हूँ. इफ़ यू आर लाइंग इन दिस कैटेगरी देन यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो, ओके. सो लेट मी टेल यू इन डिटेल व्हाट आर द वैकेंसीज, व्हाट आर द सैलरी, व्हाट आर सिलेक्शन प्रोसेस, ओके. सो यू कैन सी फॉर द सिविल ब्रांच टोटल 20 सीट इज देयर. For electrical, you can see 15, and for mechanical, it is 10. Okay, so mechanical candidates, you are having opportunities. So Coal India vacancy नहीं आई थी, but as per update, Coal India में भी in future management trainee के vacancy देखने को मिल सकती है. Okay, so as soon I get any update from Coal India Limited, I will update you for sure. अभी मुझे कोई official update नहीं मिली है, but yeah. चांसेज आर देयर कि मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल की वैकेंसीज कैन बी देयर, ओके. सो लेट मी टेल यू इन डिटेल अबाउट दिस. यू कैन सी जो आपका बी बीटेक है वो इन रिलेवेंट ब्रांच है विद 65% होना चाहिए, ओके. 65% होना ही चाहिए, एंड ऑल्सो इन 10th 12th आपका 65% से ऊपर होना चाहिए, ओके. सो यू आर थिंकिंग अबाउट दैट 12th यहाँ क्यों मैटर कर रहा है. लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपका गेट स्कोर सेम होता है तो ये शॉर्टलिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर द मार्क्स ऑफ 10th एंड 12th, ओके. सो एकेडमिक मार्क्स यहाँ पे मैटर करेगा, एंड लेट मी टेल यू, यू कैन सी इनका एज लिमिट है, अपर एज लिमिट दैट इज 30 ईयर्स एज ऑन 1st of August, ओके. दैट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. सो यू कैन सी आपका जो रिलेवेंट है रिलेवेंट पेपर कोड्स, आपका गेट स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए, एंड यू कैन सी 64.99% अगर आपका है, सो इट मस्ट नॉट बी राउंडेड ऑफ टू 65%, ओके. इट मस्ट बी 65 और अबव आपका होना ही चाहिए इन बी बीटेक. एंड उसके बाद आप देख सकते हो उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, दे विल शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर कार्ड, ओके. उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे फॉर द इंटरव्यू, एंड यू कैन सी इन केस इफ यू आर हैविंग टू कैंडिडेट्स सेम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, लाइक आपका इंजीनियरिंग डिग्री में सेम होता है, तो इन दैट केस दे विल शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th, ओके. और अगर क्लास 12th भी सेम होता है तो सिर्फ दे विल कंसिडर योर क्लास 10th मार्क्स, ओके. सो दिस वॉज द थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट अबव. एंड यू कैन सी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ जो आपका 22 का मार्क्स है गेट का वो, एंड आफ्टर दैट पर्सनल इंटरव्यू, ओके. सो दे विल शॉर्ट लिस्ट, दे विल क्रिएट अ मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू योर सिलेक्शन इज देयर. सो यू कैन सी वॉट पैकेज इज देयर फॉर यू विल बी अब्सॉर्ब्ड एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन E2 ग्रेड, ओके. जिसके लिए आपका जो पे लेवल होगा दैट इज 50,000 to 1,60,000 आपका पे लेवल होने वाला है, एंड आफ्टर दैट आफ्टर सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, इट मीन्स वन ईयर की ट्रेनिंग तो होती है एवरी सेक्टर में, यू विल बी अंडर सीनियर इंजीनियर, ओके. सो दैट इज इन E3 ग्रेड. उसके बाद आपका जो पे लेवल होगा वो 60,000 to 1,80,000 होने वाला है, ओके. सो उसके बाद इफ आफ्टर ऑल दीज यू विल बी गेटिंग ऑल योर अलाउंसेज, यू कैन सी DA HRA वॉट एवर इट विल बी, ओके. कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल OBC EWS यू आर गोइंग टू हैव 600 रुपीज, ओके. एंड SC ST कैंडिडेट्स आपको कोई फीस पे नहीं करनी है PWD कैंडिडेट्स को, ओके. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट हियर इज अ बॉन्ड ऑफ सर्विस अग्रीमेंट बॉन्ड है आपका. सो इफ यू वॉन्ट टू पुट दिस जॉब बिफोर 3 ईयर्स, सो यू हैव टू बी रेडी विद दिस अमाउंट, ओके. सो यू कैन सी 5 लाख फॉर जनरल OBC EWS, ओके. आपको ये बॉन्ड देना होगा इफ यू आर लीव दिस जॉब, अगर आप जॉब छोड़ते हो बिफोर 3 ईयर्स. एंड SC ST PWD को यू कैन सी 2,50,000 आपको पे करना होगा, ओके. सो आप इस चीज के साथ रेडी रहना. दिस वॉज द थिंग, इनका एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो चुका है, दैट इज फ्रॉम टूडे इट सेल्फ, यू कैन सी, एंड इट विल एक्टिव टिल 1st of August, ओके. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब देन यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दैट. एंड आपके पास अगर गेट इंटू का वैलिड स्कोर है फ्रॉम दीज ब्रांचेज, देन यू मस्ट गो फॉर दिस, ओके. PSU रिक्रूटमेंट है, everyone wanted, okay. So this was the update for today, and if you want more technical job updates, then do subscribe to Technical Grow. Thank you guys.